समाजवादी पार्टी में जारी रस्साकसी के बीच मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर कहा है, सपा का ना तो चुनाव चिन्ह बदलेगा और ना ही पार्टी टूटेगी। एसपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए मुलायम ने पहले इशारे में और फिर साफ तौर पर नाम लेते हुए पार्टी में विवाद के लिए एक बार फिर रामगोपाल यादव को जिम्मेदार बताया। मुलायम ने कहा कि रामगोपाल अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। वो चार बार दूसरी पार्टी के अध्यक्ष से मिल चुके हैं। इस दौरान शिवपाल यादव भी मुलायम के साथ मौजूद थे। ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी का पूरी। और मैंने ये भी कहा कि जनता का कर्ता हम में पूरा भरोसा है कि पार्टी पार्टी कर रहे हो न तो समाजवादी पार्टी न बन रहे हैं और न हम चैनल बन रहे हैं। आज आता है पार्टी का नाम अखिल भारतीय समाजवाद पार्टी नाम और वो मोटरसाइकिल चिन्ह ये किन्ने के लिए रामगोपाल विपक्षी दलों से मिले पार्टी बनाया जो बनना होगा तो वो पार्टी बना रहे की बता दे बना रहे। अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भावुक अपील करते हुए मुलायम ने कहा, जो मेरे पास था सब दे दिया, अब मेरे पास आप ही लोग हैं। मैं ये बता दूं, पहला हमने आपकी राय की है, देखो मुख्यमंत्री अच्छा आप क्या बचा मेरे पास कुछ नहीं जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा दे दिया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास आप लोग हैं। हम लोग आजीवन रहेंगे। जो इनका तुम्हारे पास क्या बताया मेरे पास कार्यकर्ता सशक्त पूरा झेला है जिले का घटकर हुए हो और जनता जन समर्थन दिया जिनकी बदौलत हम यहाँ है खड़ा हुआ जी पर जनता की बदौलत का धनिया है और नेता धने हैं वो हैं हमारे तो ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी का पूरी। और फिर मैंने ये भी कहा कि जनता का कर्ता हम में पूरा भरोसा है कि पार्टी जुड़ी जाएगी पार्टी जुड़ी। मुलायम सिंह ने साफ कह दिया कि अखिल भारतीय समाजवादी पार्टी और नया निशान मोटरसाइकिल लाना चाहते हैं तो जाए अपनी नई पार्टी बनाए, लेकिन पार्टी नहीं टूटेगी, ना पार्टी का निशान बदलेगा और ना ही नाम। 31 दिसंबर से अब तक मुलायम और अखिलेश के बीच सुलह की 8 कोशिशें हो चुकी है, ये सारी कोशिशें नाकाम रही है।